नमस्कार दोस्तों, PCS Academy में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से हम लोग PT का ग्रुप स्टार्ट हो चुका था 26 तारीख को, लेकिन बीच में दिवाली पड़ गई थी, तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं टेस्ट फर्स्ट से लेके 50 दिन का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो चुका है आज से। और आज से कंटिन्यू 50 प्रश्न की टेस्ट सीरीज होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में 50 प्रश्न आपको ऑनलाइनर मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो फुल टेस्ट होगा वो आपका यूट्यूब पर होगा, मेंस का मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। उसका वीडियो आएगा, करंट अफेयर का वीडियो आएगा, ठीक है। और जो पीटी का, जैसे ये पीटी का जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, ये चीज़ें देखिए, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। मॉडर्न इंडिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसी से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा में जो उसकी मात्रा होती है, प्रश्नों की जो भाग होता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आता है। और हिस्ट्री हो गया, उसके बाद जो आता है आपका दूसरी चीज़ जो आती है वो है साइंस, साइंस के बाद ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। देखिए पीटी का सिलेबस जो भी है, जितना भी है, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो टेस्ट, फुल टेस्ट संडे को होगा, सभी लोगों को होगा। और जो उसकी PDF है वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है प्रीलिम्स परीक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है, सारी चीज़ें मेरी तरफ से फ्री हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, वहाँ का मटेरियल लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे 50 दिन में जो भी प्रोग्राम है कि 5000 से लगभग 6000 प्रश्नों को आपको तैयार करवाया जाएगा, उसको आपको रटना होगा। देखिए ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे अकेले की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। मैंने सारा मटेरियल जो भी है 10-12 लोगों की टीम लिख कर रातों दिन मेहनत करेगी और सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें मिलेंगी। यह जो PDF है ये भी जो व्यक्ति हैं मैं उनसे तैयार करवा रहा हूं और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जो GS के पेपर हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके नोट्स मिलेंगे आपको, 50 प्रश्न की वनलाइनर के क्वेश्चन की एक सीरीज़ मिलेगी, डेली मिलेगा, 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है आप करते क्या हैं। जो हम लोग आज की डेट से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये कंप्लीट नोट्स नहीं है, कंप्लीट है ये, ठीक है। कंप्लीट का मतलब ये है कि देखिए सिलेबस काफ़ी लंबा है और आपको समरी की फॉर्म में, ठीक है, समराइज चीज़ों को देखना होगा। जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स में डलवाया है, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, जब तक वो आपको लर्न नहीं हो जाते। आपका काम क्या है, आपका काम बस इतना है चीज़ों को रिवाइज करना, ठीक है। मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर और जो चीज़ें हैं, आप उनको लर्न करिए, याद करिए, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो चैप्टर है उससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे और लगभग 23 पेज हैं, तो 23 पेजेस को हम लोग 2 या 3 लेक्चर में जाएगा ये, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए देखते हैं जितना लंबा खींच सकता है मैं खींचने का प्रयास करूँगा। और देखिए मैंने पहले भी बोला था वीडियो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, लेकिन अब लेक्चर इतना, मतलब जैसे है क्या कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जहाँ तक जो भी वीडियोस होंगे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आज की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और भी ज़्यादा मैं खास तौर पर जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको मैं बताऊँगा। तो देखिए यूरोपीय
कंपनियों का जो आगमन होता है तो उससे भी पहले चीज़ें घटित होती हैं कि जैसे प्राचीन काल से हुआ क्या था कि यूरोप और भारत के बीच जो संबंध थे, ठीक है, व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ ही आरंभ होते हैं, ठीक है। जैसे यूरोप है और इंडिया है, तो यहाँ से भारत और यूरोप को मिलाने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला रास्ता कौन सा था? अब ये देखिए, ये मार्ग ही पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारत और यूरोप को जोड़ने वाले मुख्य समुद्री मार्ग कौन कौन से थे। तो दो रास्ते थे, प्रमुख जो था प्रथम था फारस की खाड़ी से होकर और दूसरा था लाल सागर से होकर, ठीक है। फारस की खाड़ी वाला जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित था, क्यों था? क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण बहुत ज़्यादा कठिन था, दुष्कर था, इसलिए था, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे अगला पॉइंट क्या है, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। भाई एशिया का क्या अधिकांश व्यापार जो था अरब वासियों के हाथ में था, और जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय बाजार जो थे, जो इतावली व्यापारी थे, उनके हाथ में थे, ठीक है। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 15वीं शताब्दी के दौरान जहाजरानी निर्माण एवं नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति होती है। अब देखिए, जैसे इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा दे दी गई हैं, मैंने खुद उन चीज़ों को ऐड करवाया है कि अगर कहीं थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चंस बनाता है आयोग तो वो भी आपके प्रश्न ना छूटें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। इसी समय क्या हुआ था, कुतुबनुमा दिशा सूचक का भी आविष्कार हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ है, पुर्तगाल के जैसे राजकुमार थे प्रिंस हैरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों का कार्य जो होता है वो आरंभ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हैरी, अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि भौगोलिक खोजों का जो कार्य था वो कब से आरंभ हुआ था, ठीक है। तो किस समय से स्टार्टिंग होती है, तो ये यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोमो डियाज। तो इन्होंने क्या किया था कि 1487 में उत्तमाशा अंतरीप को खोज निकाला था, ठीक है। और जिसे उसे क्या कहा जाता था, तूफानी अंतरीप भी कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में जो बातें थी, ठीक है, तो पहले तूफानी अंतरीप कहा जाता था। 1494 में क्या हुआ था, स्पेन के निवासी एक भाई साहब थे कोलंबस, तो कोलंबस ने क्या किया था, कोलंबस ने जाना तो चाहता था भारत की खोज करने, कि उसने सोचा था कि मैं भारत को खोजूंगा, ठीक है। वह भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते ढूंढते क्या किया, उसने अलग एक महाद्वीप ढूंढ डाला, ठीक है, जिसको अमेरिका। तो कोलंबस ने क्या किया, 1494 में अमेरिका की खोज की थी। अब देखिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उन चीज़ों को मैंने ऐड किया है। 1498 में एक पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा। अब ये भी क्या करते हैं, उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए भारत पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो भारत पहुंच जाते तो ये भारत को खोज लेते हैं, तो कहा भी जाता है, ये प्रश्न भी बहुत बार बना है कि उत्तमाशा जो वास्को डी गामा है उन्होंने किसकी खोज की थी, 1498 में भारत की खोज की थी। भारत के पश्चिम, जैसे अब देखिए यहाँ से चीज़ें कुछ जैसे होगा क्या कि लगेगा कि आपको चीज़ें नहीं जुड़ रही हैं, आपको यहाँ चीज़ें अभी नहीं जोड़नी, आपको 50 दिनों में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो आपको चीज़ों को लर्न करना होगा, रिवीजन करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। भारत के पश्चिम में क्या है, मालाबार तट है। मालाबार तट पे जैसे भारत का ये जो पश्चिमी तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो कालीकट और कोचीन और एक बंदरगाह है गुजरात, ठीक है। गुजरात में सूरत और भड़ौच और कैम्बे ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह थे उस समय के, ठीक है, 1498 के 14वीं शताब्दी के आसपास के, 15वीं शताब्दी के, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो मसाले थे, रेशम, चीनी, मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं क्या थी, मालाबार तट पर लाई जाती थी। पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी, कि जैसे यहाँ से सूती वस्त्र, सूती कपड़ा भेजा जाता था, ठीक है, नील भेजी जाती थी, मसाले, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी, ठीक है, पश्चिमी देशों को। इसके बाद क्या होता है, इसी समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात भी होता था।
1500 की ईस्वी के लगभग लगभग क्या होता है कि भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक समुदाय। जैसे देखिए यही प्रश्न डिट्टो लाइन टू लाइन बन सकता है कि हाँ भाई 1500 ईस्वी में लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला समुदाय कौन सा था। अब एक आंसर आपका चेट्टियार समुदाय दे दिया, बाकी तीन और दे दिए, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को देखना होगा, ठीक है। अब देखिए भारत में देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत से लोग कहेंगे ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपको पीटी क्रैक करना है, आपको मेंस नहीं देना है, ठीक है। मेंस के लिहाज से हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे किस तरीके से करना है, लेकिन पीटी के लिहाज से काफ़ी चीज़ें आपकी मेंस की भी तैयार होंगी, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्कुल एक सिक्वेंस में ले कर चलिए आप लोग, ठीक है, और रिविज़न ज़्यादा करिए। भारत के यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन आते हैं, भारत में सर्वप्रथम किसका आगमन होता है, पुर्तगालियों का, पुर्तगीज का, ठीक है। तो अब हम लोग पुर्तगीज के बारे में बात करेंगे। पुर्तगीज की जहां तक बात करते हैं तो यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आते हैं, और एक अब्दुल मनीक मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, पथ प्रदर्शक का मतलब ये रास्ता बताते हैं, ठीक है, इनकी सहायता से 17 मई 1498 को यह कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर उतरते हैं आके, ठीक है, कंप कड़ाबू नामक स्थान पर आते हैं और वास्को डी गामा अपना बेड़ा यहीं पर उतारते हैं आके, ठीक है। कालीकट के कौन सा बंदरगाह था, कंप कड़ाबू, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कालीकट के प्रसिद्ध राजा होते हैं उस समय, प्रसिद्ध राजा होते हैं, उन एक हिंदू राजा थे, ठीक है, जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन। तो जमोरिन क्या करते हैं, उनका जो वास्को डी गामा थे इनका स्वागत करते हैं कालीकट के बंदरगाह पर, ठीक है, ये स्वागत करते हैं इनका। वास्को डी गामा को होता क्या है कि वास्को डी गामा आते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं, और व्यापार करने के बाद वास्को डी गामा को मसालों और जड़ी बूटियों के व्यवसाय से यात्रा व्यय, मतलब जो खर्चा निकालने के बावजूद उनको 60 गुना लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। और दोबारा वह यूरोप पर जाते हैं, ठीक है, पुर्तगाल जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोग ये इतना पैसा कहाँ से लेके आए, और भी लोग आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेस केबल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुँचता है। देखिए वास्को डी गामा आते हैं 60 गुना लाभ लेकर निकल जाते हैं, दोबारा एक व्यक्ति आता है, ठीक है, पेड्रो अल्वारेस केबल, ठीक है, के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचता है। देखिए यही प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट कब पहुंचा, किसके नेतृत्व में पहुंचा, तो ये दो प्रश्न बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं। देखिए यही प्रश्न बन सकता है, 1498 में भारत आते हैं वास्को डी गामा, लेकिन दोबारा कब आते हैं, दोबारा आते हैं 1502 ईस्वी में। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। अब देखिए ये प्रश्न बहुत बार बना है कि पुर्तगालियों ने पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ बनाई, तो वो कोचीन केरल में बनाई थी, ठीक है, कोचीन में। 1505 में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। अब ये फैक्चुअल है, इन चीज़ों में आपको फैक्ट आने चाहिए, आपको फैक्ट लर्न होने चाहिए, अगर ये फैक्ट आपको लर्न हो गए तो यही चीज़ें आपको मेंस में फ़ायदा करेंगी जाके, ठीक है। तो जितनी तगड़ी मेहनत अगर आप इसमें कर लेंगे, और 50 दिन है, 50 दिनों में आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसी वर्ष क्या होता है, 1505 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भेजे जाते हैं, यह प्रथम वायसराय बनाकर इनको भारत भेजा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि जो प्रथम वायसराय पुर्तगालियों के थे वो कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जहाँ तक बात करते हैं तो ये 1505 से 1509 ईस्वी तक रहते हैं, और अल्मेडा जो होते हैं वो भारत के जो भारत में हैं, अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पीसीएस एकेडमी का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जाते हैं जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार को पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। अब देखिए, भारत में पुर्तगाली लोग दुर्ग ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि वह सुरक्षा नहीं चाहिए हमें, ठीक है, महासागर जो हिंद महासागर होता है तो उसमें एक नियंत्रण स्थापित हो सके, इसलिए वो लोग दुर्ग बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। अल्मीडा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? शांतिपूर्वक जो पूर्व व्यापार करना, ठीक है। यह नीति जो है ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है, इसी को शांत जल की नीति कहलाई, ठीक है। तो अब देखिए, शांत जल की नीति जो है वो किसने अपनाई, तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर की पॉलिसी, ठीक है। भाई देखिए, पुर्तगाली लोग चाहते थे, ठीक है, नियंत्रण चाहते थे, लेकिन युद्ध या अन्य हिंसक घटनाओं के आधार पर नहीं, वो शांति रूप से, आप भी व्यापार करिए हम भी व्यापार करेंगे, लेकिन नियंत्रण हमारा रहेगा, आप टैक्स पे करके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब देखिए, 1509 में दूसरे वायसराय आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क, ये शायद लिखने में थोड़ा सा अल्बुकर्क, ठीक है, हाँ सही है, 1509 से 1515 तक रहते हैं ये, और अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क को गवर्नर बना दिया जाता है, और इन्हें क्या है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो देखिए, वास्तविक संस्थापक की जहाँ तक बात आती है, तो किसको कहा जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क, ठीक है। इसने क्या किया था, अल्बुकर्क ने, इसने अपने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया था कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी युद्ध के माध्यम से, ठीक है, जीता था इन्होंने आदिल शाह से गोवा, ठीक है। और 1511 में क्या किया था अल्बुकर्क ने, अब देखिए, प्रश्न जो होंगे और जो चीज़ें होंगी, 1511 की बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके से होगी कि आपको एग्ज़ाम में फंसना चाहिए, ठीक है। प्रयास ये रहेगा, इस तरीके से कार्य कराए जाएं कि आपके एक भी प्रश्न ना छूटे, अपना पूरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। 1511 में क्या होता है कि अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण जो एक मलक्का जल संधि है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। अल्बुकर्क भारत में स्थायी आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, जो स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए, अल्बुकर्क भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, उसने क्या देखा कि अगर हमें यहाँ पर भारत में रहना है तो हमें यहाँ के जो महिलाएं हैं उनसे विवाह भी करना होगा। तो जो लोग भी अल्बुकर्क और वहाँ से पुर्तगाल से आए थे लोग, तो उनको यह कहने लगा और चीज़ों को बताने लगा कि आप विवाह करिए, किससे, यहाँ भारतीय महिलाओं से विवाह करिए, तब आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं, आबादी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्बुकर्क ने क्या किया कि अल्बुकर्क ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया था, इसने बैन कर दिया था सती प्रथा को। सती प्रथा क्या है, सभी लोग जानते हैं कि जैसे किसी महिला का अगर जो पति है वो असमय मृत्यु या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जहाँ पर उसको जलाया जाता है, तो उसी के साथ में जो जीवित महिला होती है वो भी सती हो जाती है, मतलब उसको भी जलाते थे, ठीक है। तो यह सती प्रथा है और इसको अल्बुकर्क ने क्या किया था कि बंद कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नीनो डी कोन्हा, अब अगले गवर्नर जो बन के आते हैं नीनो डी कोन्हा, ये 1529 से 38 के बीच में रहते हैं। अल्बुकर्क के बाद में यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर रहते हैं, और 1530 ईस्वी में जो सरकारी कार्यालय है, इन्होंने क्या किया कि कोचीन पहले बनाया था अल्बुकर्क ने, और अल्बुकर्क के बाद में यह गोवा स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि गोवा ये क्या करते हैं, आदिल शाह से जीत लेते हैं, ठीक है। अब गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया है, इस समय तक औपचारिक राजधानी बन जाता है। कोन्हा जो रहते हैं, नीनो डी कोन्हा, तो कोन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुबली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी। अब ये देखिए, यही प्रश्न बन जाता है कि किसने सेंथोमे और बंगाल में हुबली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित करी, तो किसने करी, नीनो डी कोन्हा ने। भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर से
पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया गया। ठीक है, पूर्वी समुद्री तट की ओर से जो पुर्तगाली वाणिज्य व्यापार था उसका विस्तार किया गया। उसने क्या किया था नीनो जी कुन्हा ने कि 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। तो अब देखिए पुर्तगालियों ने बेसिन पर अधिकार कब किया, 1534 में, यही प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कब किया, तो वह 1535 में किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 1611 में सूरत के एक निकट स्वाली के निकट समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। बहुत महत्वपूर्ण विजय थी और इसी विजय के बाद में जो अंग्रेज थे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित होती है। ठीक है, अगला क्या है, पुर्तगाली सामुद्रिक जो साम्राज्य है उसको क्या नाम दिया गया है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया है, इस पर भी बहुत बार प्रश्न बने हैं। अगला पॉइंट क्या है, उन्होंने जैसे हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो पुर्तगाली थे पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, जितने भी गवर्नर थे तो वो लोग जो हिंद महासागर है, ठीक है, तो हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, एक कार्ट आर्मेज काफिला व्यवस्था, ठीक है, तो इसके द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। इसका मुख्य साधन क्या था, कार्टेज या परमिट, जिसके पीछे जो आर्मेडा था उसका बल होता था। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आप जाएंगे आपको परमिट लेना पड़ेगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से यह व्यवस्था लागू की थी इन्होंने, कहाँ पर, हिंद महासागर में। ठीक है, पुर्तगाली जो थे अपने आप को क्या कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। तो अब यही प्रश्न बन सकता है कि सागर का स्वामी कौन से यूरोपी अपने आप को कहलाते थे या कहते थे, तो उसमें ऑप्शन दे देगा अंग्रेज, पुर्तगाली और डच, इस तरीके से चार ऑप्शन दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, पुर्तगालियों को व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय भी करना पड़ा था जिसे काफिला व्यवस्था कही जाती है। इसमें क्या होता है, स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को, एक काफिला होता है जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा जो था वो एक साथ चलता था। कि जैसे मान लीजिए यह कोई एक काफिला है, अब इसमें एक पुर्तगाली बेड़ा भी साथ चलेगा जो इस काफिले की रक्षा करेगा, तो इसे कि इसी चीज़ का वो लोग मतलब कुछ ना कुछ एवज में पैसे लेते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए पुर्तगालियों का जो था अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार जो था 1595 तक बना रहा है। अब देखिए पुर्तगालियों का प्रभुत्व का जो पतन होता है उसके कारण क्या होते हैं, तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। ठीक है, पॉइंट्स दे दिए हैं पढ़ने के लिए, कम से कम एटलीस्ट पढ़ लीजिए, अगर पूछ लेता है तो फिर आप बता ले जाएं वहाँ पर। ठीक है, आपसे प्रश्न कोई भी नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है, अपनी धार्मिक असहिष्णुता से जो भारतीय शक्तियाँ थी वो बिगड़ गई थी। ठीक है, कि जो धार्मिक असहिष्णुता फैलाई थी तो उसके कारण। अगला क्या है, उनके चुपके चुपके व्यापार करना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाल की जो थी उपनिवेश संबंधी जो क्रियाशीलता थी वो पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई, कि ब्राज़ील का पता लग जाने के बाद, उसी समय ब्राज़ील का पता लग गया था। ठीक है, ब्राज़ील को खोजा गया तो ब्राज़ील में इन लोगों को, पुर्तगालियों को ज़्यादा स्कोप दिखा, तो इन्होंने भारत से एक जाने की मंशा बनाई और ब्राज़ील जाने की मंशा बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो पश्चिम की ओर उन्मुख ज़्यादा हो गए थे व्यापार करने के। और चौथा कारण क्या है, सर्वप्रमुख कारण है कि पीछे जो उनके पीछे आने वाली यूरोपीय शक्तियों में से प्रतिद्वंदिता हुई जिसमें वो पिछड़ गए, जैसे अंग्रेज हैं, डच हैं और जो पुर्तगाली हैं, तो पुर्तगाली इन अंग्रेजों से पिछड़ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, अब आगे देखिए जो पुर्तगाली आधिपत्य था उसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, परिणामों को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के जो महत्वपूर्ण एक परिणाम देखकर आए वो किस आधार पर थे, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर हुए। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप 1540 ईस्वी में गोवा में सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए, तो ये धार्मिक असहिष्णुता दिखाई गई। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म
न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी एक धर्म का संरक्षण देना है। आप अपने धर्म को बढ़ाएंगे लेकिन दूसरे धर्म को नहीं पनपने देंगे, उनके मंदिरों को तोड़वाएंगे, तो ये धार्मिक असहिष्णुता की नीति पुर्तगालियों ने अपनाई थी। ठीक है, और क्या हुआ था कि जैसे पुर्तगीज मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का ये सारी चीज़ें लाए थे। ठीक है, ये चीज़ें थी कि भारत में इन चीज़ों को लाया कौन। ठीक है, तो ये पुर्तगाली लाए थे तंबाकू, आलू, मक्का। अब इस पर भी प्रश्न बनता है डायरेक्टली कि तंबाकू या आलू मक्का को भारत में परिचित किसने करवाया, कौन से यूरोपीय व्यक्तियों ने करवाया, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की सर्वप्रथम, तो पुर्तगालियों ने की। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही, इससे चित परिचित जो करवाया वो किसने करवाया, पुर्तगालियों ने करवाया। ठीक है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था, पुर्तगालियों ने अनेक अनेक देशों से प्राप्त किया था, उसको भारत से परिचित करवाया था, ये पुर्तगालियों के कारण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चली, पुर्तगालियों से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए अब हम लोग डचों का जो चीज़ें हैं तो वो अगले वाले लेक्चर में कल की डेट में देखेंगे, और यह आपको पीडीएफ जो है आपकी पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसको आप अच्छी तरीके से इसको रट डालिए, इसको रट लीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जो जो भी इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न बन सकता है, मैं वो भी बताता चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों जो लोग भी WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो WhatsApp नंबर है, WhatsApp नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।